वाटर फास्टिंग जो है इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं दिन भर। ये नॉर्मली लोग 1 से 3 दिन तक कर रहे हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके लिए, कोई रिलीजियस रीजंस के लिए करता है, कोई वेट लॉस के लिए करता है, कोई डिटॉक्स करने के लिए करता है। बट जहां तक हेल्थ पे सवाल है इसका, एक से तीन दिन तक तो आप कर सकते हैं, मगर उसके बाद आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसके कारण। सो मेरी नजर में ये एडवाइजेबल नहीं है, एक हेल्दी तरीका नहीं है वेट लॉस के लिए, और इसके बारे में ज्यादा स्टडीज हुई भी नहीं है, ह्यूमन स्टडीज ज्यादा नहीं हुई है। जो भी है एनिमल स्टडीज हैं जिसमें देखा गया है कि हाँ इससे फायदा होता है, कि कैंसर वगैरह कम हो जाता है या शुगर लेवल्स बेटर हो जाती हैं, तो इसके बेनिफिट्स हैं। बट वो लॉन्ग टर्म में अगर आप करोगे इसे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप 1 से 3 दिन तक तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बट हाँ डिटॉक्स वगैरह होगा। बट 3 दिन से ज्यादा अगर विदाउट मेडिकल सुपरविजन आप करो तो आपको रिस्क भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, एस्पेशली अगर आपकी एज 60 से ऊपर है या 18 से कम की एज है, और अगर आपको बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, आपको बुलिमिया हो, जो कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, या आपका वेट बहुत कम है, अगर आप डायबिटिक हो, अगर आपको गाउट है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, तो आपको ट्रिगर हो सकती है, या शुगर लेवल्स ऊपर नीचे हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल्स कम हो सकती है, तो बहुत तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। सो मेरी नज़र में 1 से 3 दिन तक करो तो ठीक है, उससे ज्यादा करोगे तो आपको बेनिफिट तो हो सकता है पर नुकसान भी बहुत ज्यादा हो सकता है। जी सर, ये मतलब कितना गैप लेना चाहिए वाटर फास्टिंग के वक्त? देखिए, वाटर फास्टिंग का मतलब है कि आपको पानी ही पीना है, तो गैप क्या, आपको 2 से 3 लीटर पानी कम से कम पीना है 24 घंटे में। okay. अब गैप आप कुछ भी ले लो, 1-1.5-2 घंटा, बट फ्रीक्वेंटली पानी पीना पड़ता है। तो अगर आप 3 दिन तक करो तो ठीक है, जैसे मैंने बताया, उसके बाद नुकसान भी हो सकता है। जो फायदे हैं इसके वो ये हैं कि अगर आप कंट्रोल में सुपरविजन में करो तो आपका ब्लड, जो देखा गया है स्टडीज में, अभी तक जो लिमिटेड स्टडीज हुई है, कि आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आपकी शुगर लेवल्स कम हो जाती हैं, आपका वेट तो डेफिनेटली कम होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाती हैं। सो वो फायदे होते हैं, बट जैसा मैंने बताया तो नुकसान भी बहुत हो सकते हैं। इट्स नॉट अ हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट। दो 1 से 3 दिन तक तो भले आप कर लो, बट उसके अलावा करने में फायदा शायद नहीं हो, नुकसान ज्यादा हो, हेल्दी तरीका नहीं है। आई वुड नॉट रिकमेंड इट फॉर लूजिंग वेट। ओके, किन लोगों को वाटर फास्टिंग करनी चाहिए? इस कोई करना चाहता है तो वो कौन कौन हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते? देखिए, अगर करना ही है किसी को तो आइडियल तरीका नहीं है वेट लूज करने का। okay. और मैं तो कहूंगा कि 3 दिन से ज्यादा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट अगर डिटॉक्स के लिए या अदरवाइज करना है, रिलीजियस रीजंस के लिए किसी को करना है, सो यंग लोगों को जो हेल्दी हो, जिनको और कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं हो, आप समझिए 18 से लेकर 50 साल की एज तक, विद नो कोमॉर्बिडिटीज, कोई हेल्थ इशू नहीं है, डायबिटीज नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है, माइग्रेन नहीं है, गाउट नहीं है, कोई इशू नहीं है, अंडरवेट नहीं है, ओवरवेट नहीं है, ओबीस नहीं है, वो कर सकते हैं। और 3 दिन तक ही मैं रिकमेंड करूंगा, फ्रीक्वेंट वाटर इनटेक ले लें, उसमें कम से कम 2 से 3 लीटर। देखिए, उसमें पानी थोड़ा और भी लेना पड़ेगा, जितना आप लेते हो उससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि खाने पीने से भी हमें कम से कम 30% वाटर इनटेक हमारी खाने से आती है। जब वो आप खाना ही बंद करो तो वो डेफिसिट को कम्प्लीट करना पड़ता है। सो थोड़ा सा ज्यादा ही नहीं, अगर आप 3 लीटर लेते हो तो 3.5 लीटर कम से कम लीजिए। तो इस तरह से आपको करना होगा। यंग लोग जो हेल्दी हैं वो कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड एल्डरली या यंगस्टर, बहुत ही 18 से कम साल की पीडियाट्रिक एज ग्रुप, या जिनको बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। ओके सर, ये फास्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ मतलब पोस्ट फास्ट का भी कुछ ऐसा तरीका है कि भाई आपको इस तरीके से अपनी डाइट फॉलो करनी है, देन आप जो है डाइट को ऐसे फॉलो कर सकते हैं, वाटर फास्ट ऐसे रख सकते हैं? हाँ जी, अचानक आप वाटर फास्टिंग शुरू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपको 2-3 दिन पहले से ही अपना डाइट कम कर लेना चाहिए, या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेनी चाहिए 2-4 दिन, जिसमें आप 8 घंटे तक थोड़ा बहुत खाते हैं नॉर्मल डाइट, और 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं। प्रिपरेशन से पहले आपको या तो ये करना चाहिए, या तो अपनी कैलोरी इनटेक कम करनी चाहिए, मील साइज जो पोर्शन है वो कम कर लेना चाहिए 2-3 दिन करने से पहले, सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे ही जब आप 3 दिन करते भी हैं, जो यूजुअली 1 से 3 दिन करते हैं, उसके बाद आपको अचानक लार्ज मील्स नहीं लेने चाहिए, कम से कम 1 दिन तक आपको सॉफ्ट हल्का सा खाना चाहिए, कम पोर्शंस लेने चाहिए, नहीं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं।
कि आपकी सोडियम पोटेशियम लेवल डिहाइड्रेशन वो सब होता है, तो खाने करने से पहले भी थोड़ा कम डाइट करना चाहिए और शुरुआत भी जब कर रहे खत्म होने के बाद तब भी थोड़ा कम डाइट से। वॉटर फास्टिंग के दौरान क्या लोगों को मतलब एक्सरसाइज भी डेली रूटीन जो है अपना वो फॉलो करना चाहिए, योगा या एक्सरसाइज जैसे भी वो करते हैं? देखिए योगा वगैरह तो कर सकते हैं मगर एक्सटेंसिव कार्डियो, दौड़ना, रनिंग, जिमिंग तो नहीं एडवाइजेबल, क्योंकि वैसे ही डिहाइड्रेशन होती है और आप सिर्फ पानी ही पी रहे हो, आपकी फ्लक्चुएशन हो जाएगी बहुत ज्यादा शुगर लेवल्स में, सोडियम पोटेशियम, तो एडवाइजेबल है कि आप मॉडरेट योगा वगैरह करें तो बेटर रहेगा।